जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है तब से ही पब्लिक टीवी की टीम पूरे शहर में प्रत्याशियों की बात जानना चाह रही है, जिससे लोगों को पता चले कि उनका प्रत्याशी क्या कह रहा है। वार्ड 55 की पड़ताल करने जब पब्लिक टीवी की टीम पहुंची तो सभी दलों के प्रत्याशी अपने वादों की बौछार करने लगे। सबसे पहले बात की भाजपा प्रत्याशी के प्रजापति से। प्रजापति नाम है सर। ये वार्ड कौन सा कहलाता है? वार्ड 55। ये कहाँ से कहाँ तक है सर? ये कानीगुआन और लज्जलवाली मस्जिद, नवाबपुरा, लालबाग, पंचायती मंदिर, ये कहार का मंदिर, ये सारा है सर। इस वार्ड में कितने वोट हेड हो रहे हैं? यहाँ है 8300 वोट। जी 8300 वोट। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों को? संदेश कि हमने तो दो बार पार्षद रह चुके हैं, पब्लिक का काम करा है, पब्लिक इस बार भी हमें सहयोग मिल जाए, पब्लिक का पब्लिक हमें जिताएगी। किससे मानते हैं अपनी टक्कर यहाँ पर? हम तो किसी से नहीं। सर अभी तक आपके हाथ में सब कुछ था, तो आपने क्या क्या विकास करा है? सबसे बड़ा काम तो हमने काली मंदिर पे सुलभ शौचालय बनवाया है, 6 जेंट्स और 6 लेडीज सीट का, और चेंजिंग रूम बनवाया लेडीज का वहाँ पर, और पाइपलाइन पड़वाई हमने पानी की वहाँ काली मंदिर से यहाँ कहार के मंदिर तक। पानी बिना मोटर के पानी आ गया, बिना लाइट के पानी आ गया, पब्लिक बहुत खुश है हमसे। सड़कें हमने बनवाई हैं, कहीं पर भी हमें विरोध नहीं मिला, हम घूम के आए, पब्लिक हिंदू मुस्लिम दोनों का काम कराया, और जो भी आया उसका काम कराया हमने, परिचित है परिचित नहीं है उसका सबका काम कर रहे हैं। इसके बाद जाना सपा के परवेश से कि वो चुनाव में कितना दम रखते हैं और किससे मुकाबला मानते हैं। सर क्या नाम है आप? परवेश खान। परवेश खान जी, ये वार्ड कौन सा कहलाता है? वार्ड 55। आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। लगभग कितने वोट हैं यहाँ पे? यहाँ 8200 कुछ वोट है। मेन मुद्दे क्या क्या है आपके? मेन मुद्दा यही है कि सड़क यहाँ की टूटी फूटी है वो बनेगी, नाली के डंडे हैं, पानी की समस्या है, कहीं पाइपलाइन फटी हुई है, कहीं लाइट नहीं है, खम्भों पर वो देखनी है, राशन कार्ड है, यही सब चीज़ें हैं, आधार कार्ड है, इनके निबंधन उनके लिए देना है, यही छोटे छोटे काम पब्लिक के, और क्या है। आप अपना मुकाबला किससे मांग रहे हैं? हमारा मुकाबला तो मैं समझता हूँ शायद किसी से होगा नहीं, चला जा रहा, अगर थोड़ा बहुत होगा तो बीजेपी है और कोई नहीं हमारा मुकाबला। जब सपा भाजपा प्रत्याशी से बात की गई तो रुक किया कांग्रेस से प्रत्याशी डॉक्टर उबेद से। डॉक्टर मोहम्मद उबेद हसन। कौन सा वार्ड कहलाता है? ये वार्ड नंबर 55 कहलाता है। लगभग इस वार्ड के कितने वोट है? 8100 वोट है वार्ड के कुल वोट। कहाँ से कहाँ तक ये क्षेत्र लगता है? ये नवाबपुरा एक तबेल से कटता है, लालबाग कानून गोयन तक क्षेत्र पूरा आता है। तो आपने मतलब क्या मन में आया ऐसा कि इस बार कहीं आपको इलेक्शन में सभासद का लड़ना पड़े? हमारे मन में ये आया कि जिस हम मरीजों के साथ मरीजों के हित में कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, ऊंचा हो या नीचा हो, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं इस वार्ड में भी रहकर, जैसे वार्ड में तरह तरह के काम अच्छे होने चाहिए वो हम करें। क्या क्या कमियाँ आपने इस वार्ड की नोट की? भाई इस वार्ड में बहुत सी कमियाँ, सफाई का काम है इस पूरे वार्ड में, हर जगह कहीं ना कहीं वो लगा रहता है पानी के, ठंडे पानी का, और पूरे यहाँ पर इस वार्ड में कहीं भी कोई नहीं लगा हुआ है, कोई भी मशीन नहीं लगी हुई इस तरह की, जबकि हमने हर वार्ड में देखा है कि मशीन लगी हुई होती है, लेकिन इस वार्ड में हमारे पूरे वार्ड में कहीं भी कोई नहीं लगी, और जगह जगह पानी इकट्ठा होता रहता है, जगह जगह नालियाँ टूटी हुई होती है, जगह जगह कीचड़, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, और कूड़े का कोई अपना एक परमानेंट ठिकाना नहीं है, कूड़ा भी जो है कभी इधर उधर, क्योंकि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, इसलिए इसका कोई परमानेंट ठिकाना भी नहीं मिलता। आप अपना मुकाबला वार्ड नंबर 55 में किससे मांग रहे हैं? हम अपना मुकाबला रामप्रसाद प्रजापति से, शिवसेना से जो प्रत्याशी हैं, हमारे हालांकि हमारे करीबी भी हैं, लेकिन हम अपना मुकाबला फिलहाल इसमें रामप्रसाद प्रजापति से मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भला क्यों छोड़ देते, तो कैमरा उनकी तरफ भी किया, बस फिर क्या था। सरवर मिर्जा। सरवर मिर्जा जी कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 39 कानून गोयान लाल बाग। किस पार्टी से आप लड़ रहे हैं? मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। कितने वोट हैं इस वार्ड के अंदर? वार्ड नंबर 39 कानून गोयान में तकरीबन 9500 वोट हैं। आप अपना मुकाबला किससे मांग रहे हैं? मैं अपना मुकाबला बीजेपी से मांग रहा हूँ। किस किस मुद्दों पर आप यहाँ पर लड़ रहे हैं? मैं सफाई और
क्षेत्र के अंदर जो अभियान चलेगा वो सफाई को लेकर और सड़कें जो टूटी हैं उनको लेकर और बिजली की समस्याओं को लेकर वाटर टैक्स को लेकर। सबसे बाद में निर्दलीय उम्मीदवार मुमतियाज उर्फ पायल किन्नर से भी उनके मन की बात जानी। मेरा नाम मुमतियाज उर्फ पायल किन्नर है और मैं अपने वार्ड नंबर 55 से खड़ी हुई हूँ। वार्ड नंबर 55 कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये हाजी ने की मस्जिद से और चूने के भट्टे तक आता है जी। लगभग कितने वोट हैं इस वार्ड? लगभग 8100 वोट हैं। 8100 लगभग। इस वार्ड के कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? वार्ड में तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो आते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी प्यार मोहब्बत करते हैं हम लोगों से करते हैं। तो लगभग 9 बंदे खड़े हुए हैं। जी आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आप अपने वार्ड में अगर देखते हैं तो क्या करते हैं जो के पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं कराया गया? जनता के लिए, समाज सेवा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी बात, जैसे गंदगी होती है नालियों में, नाली टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं और वैसी बतेरी गंदगी है, कोई वैसे भी बेचारे बड़े बूढ़े परेशान होते हैं समझे, तो उनकी भी परेशानियां हैं, उनको भी सोल्व करेंगे हम। घर घर दुनिया को देखा एक दफा, हम लोगों को भी देखिएगा। आपने सबको बढ़ता होगा, एक दफा हम लोगों को भी बढ़ने का मौका दीजिए। हमारे इस पे या इस पे किसी बात पे मत जाइए, सिर्फ हमारे मन पे जाइए। हमारा मन भी आपकी तरह है, आप जैसे हैं हम भी, हमारे अंदर भी जान है, हमारे अंदर भी खून है, लेकिन हमें ये मत सोचिए कि हम ये हैं। हमारे पे मत जाइए, हमारी तरफ देखिए, हमारा ध्यान कीजिए, अपना आशीर्वाद करिए हमारे ऊपर।